हरियाणा के हिसार में बारिश के साथ जबरदस्त ओलावृष्टि हुई है, जिसके कारण सरसों की फसल खराब होना बताया जा रहा है। किसानों के चेहरों पर मायूसी छा गई है। आपको बता दें कि हिसार के बालसमंद, कमरी, गंगवा, धीरनवास व आर्यनगर सहित आदि जगहों पर काफी ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक मौसम खराब रहने की आशंका जताई गई है। वहीं किसान मनोज टाकमाही का कहना है कि रविवार को हिसार के कई क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि हुई है। तूफान के कारण सरसों की फसलों को 80% से 100% तक का नुकसान हुआ है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द सरसों की फसल की गिरदावरी करवाई जाए व किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि नहरी पानी की कमी की समस्या से जूझ रहे किसानों पर कुदरत का कहर बरपा है। 42 दिन की नहरबंदी के कारण किसानों ने ट्यूबवेल से सिंचाई करके बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके सरसों की बिजाई की थी। अब ओलावृष्टि से किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। किसानों ने मांग करते हुए कहा कि खरीफ की फसलों का बीमा मुआवजा जल्द से जल्द किसानों के खातों में डाला जाए। साथ ही यह भी मांग उठाई कि सरकार बीमा कंपनियों को आदेश दे कि फसल बीमा योजना की किश्त फसल बुआई होने के तुरंत बाद काटी जाए। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियां बीमा किश्त जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में काटती हैं। तब तक किसान को नरमा कपास की बिजाई किए हुए 4 महीने हो चुके होते हैं। नरमा कपास की पूरी फसल 7 महीने में होती है, तो ऐसे में किसानों का फसल नुकसान का रिस्क 4 महीनों का रहता है और बीमा कंपनियों का केवल 3 महीनों का। इसी तरह रबी की फसल में बीमा किश्त दिसंबर के आखिरी सप्ताह में काटी जाती है। समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। लुदास के आसपास के गांव में बहुत ही भारी ओलावृष्टि हुई है, जिसके कारण सरसों की फसल जो कि अभी लगभग 1.5 महीने पहले बोई गई थी और अब फूल आए थे, बिल्कुल फूल निकाले थे, वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। लगभग 65% से 70% सरसों की फसल बर्बाद हो चुकी है। अब ऊपर की जो इसकी टहनी थी वो बिल्कुल टूट गई है। अब देखो ये दोबारा से फूट निकालती है या नहीं निकालती। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो ये सरसों की फसल बर्बाद हुई है, इसकी विशेष गिरदावरी करवा के जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा दिया जाए। और जो नरमे की फसल बर्बाद हुई थी और जो गिरदावरी हुई थी, उसके पैसे अभी तक किसानों के खातों में नहीं आए हैं। उसके बीमे के जो पैसे हैं वो भी जल्द से जल्द किसानों के खातों में डाले जाएं, ये हम सरकार से मांग करते हैं। ऐसा है कि हमारी फसल बिल्कुल, सरसों की जो फसल थी वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। ओलावृष्टि भारी मात्रा में हुई है। आप देख सकते हैं कि हमारी फसल बिल्कुल जीरो पे चली गई है। हमने 1.5 महीने पहले इसकी बुआई की थी, काफ़ी अच्छी फली फूली थी, लेकिन ये जैसे ही आज 4 बजे 3:30-4 बजे जैसे ही ओलावृष्टि हुई है तो ये फसल हमारी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। और मेरे हिसाब से ये फसल हमारी 3-4 गाँव में ही मतलब ओलावृष्टि हुई है, यहाँ विशेष ओलावृष्टि हुई है। तो सरकार से हम मांग करेंगे कि हमें जिंदा रखने के लिए या हमें जमींदारा दोबारा से पनपाने के लिए हमें मुआवजा दिया जाए। और जो पीछे नरमे की फसल भी हमारी बिल्कुल बर्बाद हो गई थी, उसका भी कुछ नहीं हुआ है। धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.